morning, students. How are you? Fine. I hope you are also fine. So, student, today is your second class. So, which class is second class? Yes, your history class. So, today is your Hindi story. So, student, firstly, guess करिए कौन सी story है आज? Yeah, guess करिए guess करिए. ये आपको क्या-क्या दिख रहा है? पहले आप सोचिए. ये क्या है? ये तराजू है. ये बिल्ली मौसी है, तो बिल्ली मौसी. और ये क्या है? ये मैंने बनाया है रोटी. और ये कौन है? ये तो बंदर है. और बंदर बहुत चालाक होता है. तो चलिए अब गेस करिए स्टोरी में हो क्या सकता है, कौन सी स्टोरी हो सकती है, कैसी स्टोरी हो सकती है, गेस करिए. हाँ, अच्छी बात, वेरी गुड. आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिमाग लगाया. ये है बंदर बाग. अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बिल्लियां भी हैं, लेकिन बंदर बाग क्यों है स्टोरी? तो अभी आप स्टोरी के लास्ट तक समझ जाएंगे बंदर बाग इस स्टोरी का नाम क्यों रखा गया. एक बार क्या होता है, दो बिल्लियां होती हैं, दोनों का घर आसपास में होता है. उनको बहुत भूख लगी होती है. अब अचानक से एक बिल्ली काली होती है, एक बिल्ली सफेद होती है. तो दोनों बिल्लियां अपने घर से निकलती है. अब उनको रोटी का टुकड़ा दिखाई देता है. अब वो दोनों छपट के जाते हैं उस रोटी को पकड़ने के लिए. अब वो उनके घर के बीचों बीच गिरा होता है. अब काली बिल्ली कहती है, ये रोटी तो मेरी है, इसको पहले मैंने देखा. अब सफेद बिल्ली कहती है, नहीं, ये रोटी मेरी है क्योंकि मैंने पहले देखा. अब दोनों में लड़ाई हुआ करती, खूब लड़ती हैं दोनों, ठीक है. अब अचानक से साइड से बंदर गुजरता रहता है. बंदर को भी बहुत भूख लगी होती है. पहले वो बैठ के देखता कि तुम दोनों में क्या रहा है. फिर वो देखता सोचता, अच्छा ये दोनों रोटी के लिए झगड़ रही हैं. अब वो सोचता है, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो अब इसका कुछ हम फायदा उठाते हैं. अब बंदर जाता है उन दोनों के झगड़े को सुलझाने के लिए, ठीक है. अब बंदर जाके पहले उनसे, उसको तो पहले ही पता होता है कि रोटी के लिए झगड़ा हो रहा है, मुझे रोटी लेना है. तो जाता है उन लोगों से पूछता है, आप लोग क्यों झगड़ रही हैं? तो बिल्लियाँ बोलती हैं, ये रोटी मेरी है क्योंकि मैंने पहले देखा. दूसरी बिल्ली बोलती है, नहीं, ये रोटी मेरी है क्योंकि मैंने पहले देखा. बंदर कहता है, ये रोटी तो आपके बीच, मतलब बीचों बीच है, ना इनकी है ना उनकी है, तो इसका मतलब आप लोगों को बराबर बराबर रोटियाँ लेनी चाहिए. तो दोनों बिल्ली कहती, हाँ ठीक है. तो बंदर कहता है, चले अपन तराजू से इन रोटियों को क्या करते हैं, बराबर बराबर मापते हैं. जब बराबर बराबर माप जाएगा तो आप दोनों बिल्ली लीजिएगा, आप लोगों का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा. दोनों लोग एग्री हो जाती हैं, दोनों बिल्लियाँ. अब बंदर चालाकी करता है, तराजू लेके आता है. एक बार क्या करता है, एक साइड ज्यादा रोटियां रखता है और एक साइड कम रोटियों के टुकड़े को रखता है. अब जो ज्यादा होता है वो भारी हो जाता है, तो उस ज्यादा वाले से वो तोड़ के वो अपने पास रख लेता है. फिर से नापता है तो ये रोटी का टुकड़ा ज्यादा हो जाता है, ये कम हो जाता है. ऐसे वो बार बार करके थोड़ा, जिस रोटी का टुकड़ा ज्यादा होता है बंदर तोड़ के वो अपने पास रखता जाता है, रखता जाता है, रखता जाता है और खाता जाता है. अंत में क्या होता है, रोटी खत्म हो जाती है, ठीक है बच्चों? ठीक है. और बंदर क्या करता है, रोटी खा के चला जाता है. आप दोनों बिल्लियां तो पछताना शुरू कर देती हैं, ये क्या हुआ, हम दोनों तो झगड़ते रह गए, कोई तीसरा आया इसका फायदा उठा के चला गया. तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कभी भी दो लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, नहीं तो कोई तीसरा ही इसका फायदा उठा ले जाता है ना, जैसे बंदर ने उठा लिया ना. हमेशा दिमाग से सोच के और बैठ के कोई भी आपकी परेशानियों, कोई भी झगड़ा उसे सुलझाना चाहिए. और आपको ये भी समझ में आ गया होगा ना, बंदर बाट क्यों है इस स्टोरी का नाम, क्योंकि इसमें बंटवारा कौन करता है, बंदर करता है. और उसी बंटवारे के दम पे वो रोटियां खा के वहां से चला जाता है, ठीक है. तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी ना? तो अच्छी बात है, आप भी जल्दी से स्टोरी
स्टोरी को सुनिए और हमें भी आप सुनाइए, ठीक है? तो अब मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में. सो स्टूडेंट्स.